अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज आपसे एक हदीस शरीफ शेयर करना चाहता हूँ, मुख्तसर दर्स होगा। ये हदीस शरीफ मुत्तफ़क़ुन अलैह है, यानी कि इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो ऐसी हदीस जिसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों रिवायत करें उसे मुत्तफ़क़ुन अलैह कहते हैं, यानी इस पर दोनों ने इत्तेफ़ाक़ करके अपनी किताब में भी शामिल किया है। ऐसी बहुत सारी रिवायात हैं जो उसूल बुखारी और उसूल मुस्लिम पर उतरती हैं, पर उन्हें बुखारी या मुस्लिम ने अपनी सही में शामिल नहीं किया, लेकिन ये वो हैं जिन पर दोनों की शरायत ने इत्तेफाक भी किया और उन्होंने इसे अपनी किताब में दाखिल भी किया, शामिल भी किया। और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, ये लंबा होता है इसको कहने के बजाय लोग शेखैन भी कह देते हैं। जब हदीस में शेखैन की बात हो तो इससे मुराद इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम होते हैं। बहरहाल रिवायत जो है इसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। और हदीस की किताबों में अगर आपको किसी हदीस की सनद में सिर्फ अब्दुल्ला मिले तो इससे मुराद अब्दुल्ला इब्न मसूद ही होते हैं, और अगर कहीं इब्न उमर मिले तो इससे मुराद अब्दुल्ला इब्न उमर ही होते हैं। हज़रत उमर के वैसे तो बहुत साहबजादे हैं, लेकिन इब्न उमर के नाम से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ही मारूफ हैं। इसीलिए अगर कहीं आपको इब्न अमर मिले आइन मीम रे वाओ तो उससे मुराद अब्दुल्ला इब्न अमर हैं, हालांकि हज़रत अमर इब्न आस के और भी बेटे हैं। इसी तरह इब्न ज़ुबैर से मुराद हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हैं, वैसे तो हज़रत ज़ुबैर के और भी साहबजादे हैं। इसी तरह इब्ने अब्बास से मुराद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, क्योंकि हज़रत अब्बास के वैसे तो और भी साहबजादे हैं। तो बहरहाल ये ज़रा आप जहन में रखिएगा, आपके इल्म के लिए बता रहा हूँ। तो इस रिवायत को हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना सिद्क यहदी इलल बिर्री व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, कि सच हमेशा नेकी की राह दिखाता है और नेकी जन्नत की राह दिखाती है। मजीद फरमाया وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا, आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक यानी कि सच्चा बन जाता है। وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, और झूठ बदकारी का रास्ता दिखाता है। وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, और बदी दोजख में ले जाती है। और फरमाया وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا, और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि इसे अल्लाह के यहाँ झूठा ही लिख दिया जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि जन्नत में जाने वाले, जन्नत में जाने के शौकीन लोग, हम अपनी ज़िंदगियों में सच कितना बोलते हैं। ज़रा एक सेकंड को ना ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो, या बात बात पर हम झूठ बोलते हैं, घर में, घर से बाहर, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि ये भी याद नहीं रहता कि किसको क्या बोला था। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो, सच बोलो, झूठ से बचो, क्योंकि सच नेकी की राह दिखाता है और नेकी जन्नत की राह दिखाती है। तो जन्नत में जाने वाला शख्स, जन्नत की ख्वाहिश रखने वाला शख्स, उसकी तो इब्तिदा ही सच से होनी चाहिए, क्योंकि सच उसे नेकी की तरफ ले जाएगा। और इंसान फिर सच बोलता रहता है यहाँ तक कि सिद्दीक बन जाता है। अब आप ये जानते हैं कि कुरान करीम में सिद्दीक का मर्तबा तो शहीद से भी आला है। अब इस पर गौर करें, बड़ी गौर करने वाली बात है कि सच बोलना कितना ज़रूरी है। और जो सच नहीं बोलता तो वो झूठ बोलता है, और झूठ बोलता है तो बदी की तरफ जाता है, बदी की तरफ जाता है यानी दोजख की तरफ जाता है, और झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो झूठा लिख दिया जाता है। और झूठे का जन्नत में क्या काम। बात बड़े पते की है, इस पे गौर कीजिएगा।
और सच को अपनाइए ज़िंदगी के हर मरहले में। फिर आपको इससे ये बात कही और उससे वो बात कही कि झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ेगा, आपकी एक ही बात होगी जो आपने सबसे कहनी है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, सच बोलिए, सच का रास्ता इख्तियार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।